अयोध्या जितनी राममय है उतना ही पूरा देश भी राममय है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हेमा मालिनी। न सिर्फ सांसद है मथुरा से बल्कि परिचय की मोहताज नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं, आपने इतने किरदार अदा किए हैं। राम भक्त के किरदार में अयोध्या आकर कैसा लग रहा है? श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच संपंचारुणम। श्री राम के नगरी में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कम टू अयोध्या और द एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी इस वक्त। और जो चार दिन के बाद और क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होने वाला है वो तो हम देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड इसके लिए जिसके लिए इंतजार कर रही है इस वक्त। निजी तौर पर आप तो कृष्ण की नगरी से आती हैं, लेकिन कृष्ण का ही स्वरूप अगर हैं राम, तो आपके लिए अनुभूति क्या है? मैं वही राम में भी कृष्ण को ही देखती हूँ, कृष्ण में राम को देखती हूँ। तो मैं पिछले 10 साल से मेरे मथुरा में हूँ, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं जिसका मैं आराध्य करती हूँ हमेशा। तो उसी का दूसरा रूप है राम। तो राम इज मोर मर्यादा पुरुषोत्तम, वेर एज लॉर्ड कृष्णा इज वेरी यू कैन फील दैट ही इज योर फ्रेंड लाइक यू नो, हमारे एक सखा जैसा है, एक अनुभूति होती है राम के प्रति। लगता है कि हमें एकदम यू कैंट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट एंड स्ट्रिक्ट। आज के ज़माने में राम ज़्यादा आपके लिए आसान है समझना या फिर कृष्ण को समझना और पहुंचाना ज़्यादा आसान है? दोनों ये आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। इट इज़ इन डिपेंड ऑन योर भक्ति भाव, कैसा आप फील करते हैं और किस माहौल में हैं, किस स्थिति में हैं, उसके हिसाब से हमें भगवान अपने आप को आकर प्रकट करते रहते हैं। अयोध्या कितनी बदल गई है आपके लिए निजी तौर पर और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर तो बहुत बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। कुछ साल पहले मेरी बेटी भी आई थी, तो शी वाज ऑन सम शूटिंग के लिए टूर था उनका, कहाँ बनारस से लेके ऑल ओवर एंड देन अप टू नेपाल शी वेंट। तो उन्होंने कहा था कि ये अयोध्या बोलते हैं लेकिन ये इट्स लाइक ए वन स्मॉल विलेज मम्मा, आई डोंट थिंक इट इज़ अयोध्या। देन आई केम टू नो इट इज़ अयोध्या। सो दैट वॉज द कंडीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू नो, आज़ादी के बाद भी इस किस्म का रखा हुआ था अयोध्या को, जो राम की नगरी है। तो आज मोदी जी ने आकर हमारे हमें बहुत गर्व है कि हमारे पास ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा कायाकल्प पलट दिया इसका, अयोध्या का इस वक्त। सो दैट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस, फॉर आवर कंट्री, जिसमें क्यों नहीं सोचा, पहले भी सोच सकते थे ना, पहले भी कर सकते थे। जब इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा था तो ये अयोध्या को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दिया? सिमिलरली बनारस में भी कुछ नहीं किया था, तो बनारस को भी कितना इम्पोर्टेंट जगह किया है। अभी नाउ मथुरा विल बी डन, आई एम वेरी श्योर। क्या कहें, काशी तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है। मथुरा भी बाकी है। क्या करेंगे उसमें? पहले तीन काम जस्ट वी हैव टू डू द कॉरिडोर। और इतने श्रद्धालु आते हैं वहाँ के कि यू कैंट बिलीव, यू नो, इतना भक्ति भाव के साथ लोग आते हैं, तो उनको सिर्फ कृष्ण 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 हर जगह वही दिखता है। तो उन लोगों के लिए, इतने लोग जो आते हैं, तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए आना जाना और सफाई का। तो हम जितने भी हम लोग कोशिश करते हैं, नॉर्मल कोई भी सांसद क्षेत्र हो तो आराम से हो जाता है, इट नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ क्या, हर दिन लैक्स ऑफ पीपल कम, लाखों लोग हर दिन आते हैं। तो उसके हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना और सफाई कर्मचारियों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं बहुत पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ। चुनाव आ रहा है, राजनीति की तैयारी है, दोबारा एक बार फिर से तीसरी बार मथुरा से आपकी सरकार? आई एम वेरी श्योर, मुझे बहुत ही पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार मोदी जी ज़रूर आएंगे। अभी मेरी बात आप करेंगे इंडिविजुअली कि मथुरा में क्या मैं लड़ूंगी या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल, माई लीडर्स, दे विल डिसाइड कि हु शुड फाइट। अगर मैं अयोध्या और मथुरा को देखूं तो एज अ कलाकार, कलाकारों का सम्मान क्या बढ़ा है, बदला है, कैसे बदला है? बहुत बड़ा है, पहले ये सम्मान नहीं था,
कोई भी जो अपने आप में बेचारे गा के या नृत्य करके जो हासिल करना चाहते हैं वो होता था, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देखिए अभी मैं भी मथुरा से हूँ, मथुरा में बहुत ही सालों साल से मीराबाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, तो मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पे हूँ, 10 साल होने वाला है अभी, दिस वॉज 525 ईयर्स का बर्थ एनिवर्सरी है मीरा जी का, तो मोदी जी से कहा कि कुछ होने से अच्छा है क्योंकि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट सेंट, यू नो, एक ऐसा एक सेंट कहीं हुई नहीं थी, इतना अच्छा सुंदर गाना और इतना भक्ति के साथ उन्होंने कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने इमीडिएट उस बात को माना, तो उन्होंने इतना बड़ा एक फंक्शन हमने जो किया उस पर आकर शामिल हुए। ये साल पूरा मीरा जी का ऊपर ही पूरा देश में कार्यक्रम होता रहेगा हर जगह, तो और मेरा भी 3 दिन का जो कार्यक्रम है, मोदी जी आए, मैंने मेरा जो नृत्य नाटिका मीरा प्रस्तुत किया था, मीरा बैले, डांस बैले, उसे पूरा प्रोग्राम देखा उन्होंने, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बैठ के देखा था। भक्ति भाव को सुर में पिरोना चाहेंगी आप, कुछ गाना चाहेंगी भाव भंगिमा के साथ? अभी थोड़ी गाने के लिए हम बड़ा प्रैक्टिस करके फिर गाएंगे। अगर मैं पिछली सदी की शोले और इस सदी की अयोध्या की बात करूं तो दोनों में क्या मेल खाता है? क्या मेल खाता है? शोले शोले यार, आई डोंट नो हाउ यू आर कनेक्टिंग विद दैट। राम के साथ कनेक्टेड तो मैं कहूंगी रामगढ़, तो बसंती भी रामगढ़ में रहती थी तो राम के साथ जुड़ी हुई थी वो भी, इसीलिए शायद शोले इतनी बड़ी हिट हो गई। बात कहने के लिए मैं बोल रही हूँ, हर जगह पूरा आस्था है हमारे देश में, इतना हर्षोल्लास के साथ पूरा जनता तैयारी में है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर 22nd जनवरी। आपकी तैयारी क्या है, आप क्या पहन रही हैं, उसकी कुछ तैयारी की है, कुछ सोचा है? मैं देखिए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आते हैं तो नेचुरली हमारे अपने अपने जो भी ड्रेस होता है वो पहनेंगे, तो मैं कंजीवरम साड़ी पहनूंगी, जो दिस इज, सो यू आस्क मी व्हाट इज द कलर ऑफ इट, सो आई डोंट वांट टू एक्सपोज एवरीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर, व्हाई शुड आई टेल यू, टेल मी दैट। कर्नाटक के मंत्री कह रहे हैं कि मस्जिद जब ढाया गया था उसके बाद वो आए थे और वहां पर दो गुड़िया रख दी गई थी, राम का अस्तित्व है ही नहीं, वो दो गुड़िया को पूरा बीजेपी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है। देखिए वो कैसा उनका दिमाग था वो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, तो भगवान को तो हम कहीं पे भी देख सकते हैं, तो उनको वो चौड़ा गुड़िया दिख रहा है, जो हम लोगों को वो तो भगवान दिख रहे हैं, तो अगर मूर्ति भी ना हो तो भी हम, वी कैन सी गॉड एवरीवेयर, सो दैट इज़ द फीलिंग वी आर हैविंग इट, सो उनको वो गुड़िया दिखता है तो वो हमारे लिए तो बहुत समथिंग वेरी बिग, इट इज़ अ गॉड फॉर अस, तो उसका डिफरेंस उनको मालूम ही नहीं, तो उनसे क्या बात करना, उनकी बात क्यों इतना बड़ा अब बड़ा क्यों रहे हैं उस बात को, इज अ इग्नोरेंट मैन हु इज टॉकिंग लाइक दैट, एंड जो हिंदू तत्व कुछ नहीं जानता है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदू में क्या क्या होता है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो आई डोंट थिंक यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। अयोध्या के लिए कुछ शब्द जो आप कहना चाहें, आपके लिए अनुभूति क्या है अयोध्या? राम जी का जो मंदिर है 500 साल के बाद अभी मिलने वाला है हम सब श्रद्धालुओं के लिए, पूरे देश के जनता जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयारी हर जगह, मैं यहाँ आई तो हमारे सब लोग, जितने लोगों का मालूम पड़ा कि मैं अयोध्या, दे आर थिंकिंग दैट आई एम समथिंग, यू नो, दे वांट टू टच माय फीट एंड माय डांस ट्रूप, इतने लोग आए हैं, वी आर परफॉर्मिंग रामायण टुडे, तो उनका पांव छूने के लिए तैयार हैं लोग, दैट मीन्स कितना श्रद्धा होगी, कितना आस्था है लोगों को राम के प्रति, तो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आज बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसका साक्षी बनने वाले हैं हम सब पूरे भारतवासी, जिसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, और इट इज़ ए वेरी समथिंग ग्रेट, सो अभी अयोध्या जो है, जो पहले था उससे बहुत ही बढ़िया हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर सो वंडरफुल, सो नाइस, एंड देन इट विल इम्प्रूव अ लॉट, अभी शुरू हुआ है, तो इन अनदर 2-3 ईयर्स टाइम यू कैन सी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलीजियस हब, एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम टू दिस प्लेस, अयोध्या राम की नगरी है वो,
तो इसमें आने के एंड देन दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि राम खुद होंगे, इस भाव के साथ जब आते हैं तो उनको जरूर भगवान दर्शन देंगे। काशी अयोध्या तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज़।